नमस्कार, TNN 24 में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। हम इस समय गुरुद्वारे में हैं जहाँ 550वीं गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। आइए हम बात करते हैं पाजी से और इसकी पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पाजी, आपका नाम बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। और आप अभी इस समय गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कामटी रोड में आप जी यहाँ पे देख रहे हो कि 550 साल गुरु नानक साहेब सच्चे पातशाह का जो प्रकाश पूरब मनाया जा रहा है, उस प्रकाश पूरब में आप संगत का इकट्ठ देख रहे हो और गुरुद्वारे में कीर्तन गुरबाणी चल रही है। ये गुरबाणी जो हमारे सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक साहेब जी उनकी दी हुई दात है और ये गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी में से निकली है, उसमें विराजमान है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो सच्चे पातशाह है, उस गुरु ग्रंथ साहिब में एक धर्म का नहीं, उसमें कई धर्म के भक्तों की वाणी लिखी है। उसमें बाबा फरीद जी से लेके, बाबा नामदेव जी से लेके, संत कबीर जी से लेके, कहीं ना कहीं सर्वधर्म संभव वाली एक नीति है। हाँ जी, सर्वधर्म संबंध की नीति है गुरु ग्रंथ साहिब जो है, वो हर धर्म को एक मानस की जात सभ्य एक है पहचान के हिसाब से चलते हैं, कोई जात धर्म नहीं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे आपको हर धर्म का आदमी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर बंदा यहाँ पे गुरुद्वारे में माथा टेकता है, क्योंकि ये गुरु नानक साहेब जी का ही एक देन है, गुरु नानक साहेब का एक मिशन है, जिसके वजह से आज सिख धर्म इतनी चढ़ती कला में। और हमेशा सिख धर्म में जो लंगर की प्रथा है, वो भी गुरु नानक साहेब के थ्रू चलाई हुई है। जहाँ आज आप विश्व भर में देख रहे हो कि गुरु नानक सच्चे पातशाह के जो लंगर चलाया गया था, आज विश्व भर में जहाँ पे भी कोई संकट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे सिख धर्म के लोग लंगर की सेवा शुरू कर देते हैं। माँ जी, ये नागपुर या महाराष्ट्र में हो रहा है ये प्रोग्राम, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, या पूरे देश में हो रहा है? ये जो प्रोग्राम है 550 साल को समर्पित, ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अभी यहाँ पे बिदर साहेब से यात्रा निकली थी गुरु नानक देव जी की, जो बिदर साहेब में गुरु नानक साहेब जी वहाँ रहे हैं, 3 महीने वहाँ रहे हैं, तो वहाँ से पूरे इंडिया में वो यात्रा घूमी है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है ननकाना साहेब, वहाँ से भी एक यात्रा निकली है और वो यात्रा भी अभी नागपुर से होते हुए कई हमारे दर्शक जो है वो देखना सुनना चाहेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर, किस रीति रिवाज से इसी को मनाया जाता है। रीति रिवाज से इसलिए मनाया जाता है कि गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पूर्व है, इसमें मॉर्निंग से प्रोग्राम चलता है।